नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए जो फ्रंट एलिवेशन में अच्छा काम किया गया है, जो सुंदर सा बालकनी का निर्माण भी किया जा रहा है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने घर के लिए बहुत कम खर्च में एक बहुत ही सुंदर सा घर का डिज़ाइन तलाश रहे हो, आप इस वीडियो को देखिए। आपको बनने वाले घर के लिए ज़रूर कुछ नया आइडियाज़ मिलने वाला है। इस घर का साइड व्यू तो आप देख चुके हो, आते इस घर का सुंदर सा फ्रंट एलिवेशन की तरफ, फ्रंट व्यू की तरफ देखिए। घर के सामने की तरफ आपको जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए, जो अगर ऊपर तले का काम करवा रहे हो, सुंदर सा बालकनी बनवा लेते हो, तो आपका घर का लुक है वो कई गुना तक बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। घर के प्रत्येक जो डिज़ाइन सामने की तरफ किया गया है उसके बारे में तो बताऊंगा हूँ, लेकिन इसका शुरुआत किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में अगर आप जान लेते हो तो आपके लिए काम है वो और भी ज़्यादा आसान है वो हो जाता है। तो देखिए, घर का जो बालकनी बनाते हो, आपको पता है कि घर के सामने की तरफ आपको छज्जा निकालने का काम है वो करवाना होता है। तो किस तरीके से छज्जा निकालना है, देखिए यहाँ पे लगभग 3.5 फीट के आसपास का ये छज्जा निकाला हुआ है और उसी के ऊपर जो काम है वो किया हुआ आप देख पा रहे हो। यहाँ पर 4 से 5 जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हो, इससे आप चाहो तो ईंट का जुराई के साथ या फिर ढलाई के साथ भी करवा सकते हो। कम खर्च में बनाना चाहते हो तो ईंट की जुराई के साथ, अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो फिर ढलाई के साथ आप इस तरीके से काम है वो करवा सकते हो। यहाँ पे लगभग बीचों बीच इस तरीके से अगर आप काम करवा लेते हो और दोनों तरफ से बालकनी है अगर, तो आपका काम है और भी ज़्यादा आसान हो जाता है और बेहद कम पैसा में दोनों तरफ आपको जो बालकनी होगा उसका लुक में बढ़ोतरी है वो हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। बीच में कुछ इस तरीके से काम किया गया उधर, उसके साथ एक बालकनी आपको यहाँ नज़र आता है और यहाँ पे जो नीचे में ब्रिक वर्क किया गया है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का अगर आप रेलिंग लगा देते हो तो इसका लुक और भी बढ़ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे रेलिंग लगाया जाएगा और इसके साथ साथ देखिएगा तो लेफ्ट साइड में जो भी यहाँ पर खाली नज़र आ रहा है आपको, हालाँकि यहाँ पर ब्रिक वर्क थोड़ा किया गया है, इतना दूर में यहाँ पर भी आपको जो बालकनी का काम है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का रेलिंग आपको देखने को मिलेगा। तो बीच में ये देख सकते हो काम किया गया है, ये जो आप पट्टी डिज़ाइन देख रहे हो, और दोनों तरफ से सुंदर सा बालकनी है वो बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ इधर लेफ्ट साइड में भी कुछ अलग टाइप का काम है वो देखने को मिलता है, यहाँ पे रेलिंग का काम है वो किया जाएगा। तो दोनों तरफ जब रेलिंग लगेगा तो और भी इसका लुक है वो बढ़ने वाला है। साथ में यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का जो खाली जगह छोड़ा गया है, अगर आपके पास बजट है तो आप यहाँ पर ग्लास वगैरह का यूज़ भी करवा सकते हो या फिर खाली भी आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे जो आप खाली जगह देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का काम है वो किया जाएगा। उसके बाद ये सुंदरता है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आपके पास बजट है तो स्टेनलेस ग्लास रेलिंग का प्रयोग भी आप करवा सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो ये सारा काम होने के बाद में इस घर का जो लुक है वो कितना तक बढ़ सकता है। तो यहाँ पे रेलिंग लगेगा, फिर यहाँ पे भी आपका रेलिंग लग जाएगा स्टेनलेस स्टील का, ऊपर जो खाली देख पा रहे हो वहाँ पे रेलिंग लग जाएगा, तो और भी जो इसका सुंदरता है वो बढ़ने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सिर्फ प्लास्टर तक का काम इस घर का कम्प्लीट किया गया है, कलर का काम भी अभी पूरा है वो बाकी है। तो जैसे कलर का काम भी इस पर कम्प्लीट किया जाएगा तो इसका सुंदरता है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि घर के ऊपर जो छत के ऊपर में पैरापेट वाल का काम किया गया है वहाँ पर भी बहुत सारा पट्टी डिजाइन है। बीच में भी आप देख पा रहे हो बीट का जो काम है वो किया गया है। तो ये सारा काम करने के बाद इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि आने वाला दिन में जब इस घर का काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा तो फिर से मैं आप लोग को दिखाऊंगा। हालांकि इस घर का मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया था वो किस तरीके से ब्रिक वर्क करते हुए इस घर का बालकनी का काम किया जा रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हर साइज़ का, हर एक तरह का घर का डिज़ाइन आपको दिखाया जाता है। तो बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।